हेलो दोस्तों, टेक एंड ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टूल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे का जो क्लास है यहाँ से चालू होगी। तो पहले टूल्स की अब ज़रूरत आ चुकी है, तो मैं टूल्स बताने वाला हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पे है ये सिलेक्शन टूल, वी शॉर्टकट है। सिलेक्शन टूल जनरली आपके कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, टैक्स हो, कुछ भी चीज़ हो जो ऑब्जेक्ट है इसमें आपके आर्टवर्क में, उसको सेलेक्ट करने के काम आता है। शिफ्ट दबा के आप जो है मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर शिफ्ट दबा के ही आप वापस छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन टूल। नोट सिलेक्शन टूल यहाँ जो कोरल वाले होंगे उनके लिए नया है कि नोट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आप जैसे इतनी कितना भी सारा ऑब्जेक्ट बनाए हो, आप एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के नोट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको एक साथ छोटा बड़ा कुछ करना है तो कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो स्ट्रेट मूव होगा, शिफ्ट दबा के रखेंगे तो, और अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो जैसा मर्जी वैसा आप घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें स्नैपिंग बहुत अच्छा होता है। ये जो आप बीच बीच में लाइन देख रहे हैं ये स्नैपिंग ही है जो आपको पिंक कलर में दिख रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो मुझे इसका फीचर लगता है कि ये आप देख सकते हैं कितना भी आपका कोई भी नोट, एक साथ कितना भी ऑब्जेक्ट हो उससे कुछ मतलब नहीं, ये काम करता है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो एक एक जो है ऐसा एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसा घसकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। नोट सिलेक्शन टूल इसमें बहुत ही बेस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये नोट सिलेक्शन टूल हो गया। उसके बाद इसी में है ग्रुप सिलेक्शन टूल। आप अभी ग्रुप कर देते हैं इसको कंट्रोल जी से, जो कि मेनू में बताया मैंने आपको। तो ये ग्रुप तो हो गया, लेकिन अभी भी मुझे अगर किसी एक का चेंज करना हो कलर या कुछ भी, तो वो मैं कर सकता हूँ इन सिलेक्शन टूल्स से, ग्रुप सिलेक्शन। ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है मैजिक वांड टूल, जैसे कि फोटोशॉप में होता है मैजिक वांड टूल, यानी कि सेम कलर का जो भी आपका आइटम रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको सेलेक्ट कर लेगा। देखिए रेड रेड है तो सेम कलर का पिक कर लेता है। इसमें आप अगर रेड का थोड़ा शेड भी डालेंगे तो उसको भी आप पिक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये पिक हो गया। ग्रुप है, अभी ग्रुप छुड़ा देता हूँ मैं। ये सिलेक्शन टूल लिया, देखिए अभी एक ही पिक हो रहा है क्योंकि इसमें शेड हो गया है। तो इसका हमको डबल क्लिक करें, यहाँ पे टॉलरेंस आता है। टॉलरेंस अगर जितना हम बढ़ा देंगे, मान लीजिए हम इसको 50 कर देते हैं, तो हो सकता है कि ये करने लगे। देखिए अभी कलर अलग अलग है लेकिन इसको सेलेक्ट कर रहा है टॉलरेंस की वजह से, समझ गया। तो ये हो गया टॉलरेंस। फिल कलर पे काम करेगा, स्ट्रोक कलर के हिसाब से अगर कर देंगे तो स्ट्रोक कलर जिसका जिसका सेम रहेगा उसको पिक कर लेगा ये, भले कोई भी कलर है। स्ट्रोक वेट पे ऑन कर देंगे तो स्ट्रोक का वेट जिसका सेम रहेगा। अब अगर मैं इसको एक कर देता हूँ तो एक का जो है साइज हमने यहाँ पे 3 रखा है, एक का हमने 2 रखा है। ये स्ट्रोक वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। तो एक पॉइंट आगे पीछे सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर एक को हम सेलेक्ट करते हैं अभी तो ये क्या होगा कि 2 को सेलेक्ट करें लेकिन 3 को नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट आ गए हैं। तो इसका मतलब समझ गए आप। और उसी तरह आपको ओपेसिटी, यानी कि जिसकी ओपेसिटी 100 है, किसी की 50 है, तो 5% अगर आगे पीछे भी रहेगा तो वो सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे आपने 5 डाल दिया है तो, जैसे कि ये 50 हो गया और ये 55 हो गया, तो अभी अगर 5% का टॉलरेंस है तो आप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा है। उसी तरह ब्लेंडिंग मोड्स, ब्लेंडिंग मोड्स मतलब जैसे कि आगे आपको पैनल्स पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई रखा हुआ है और यहाँ पे जो है आपने इसको मल्टीप्लाई रखा और इन दोनों को ओवरले रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जब सेलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग मोड ऑन कर देंगे तो इस ब्लेंडिंग मोड के जो भी रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, देख सकते हैं। उसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके जो जो रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है। अगर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो गया है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये एकदम मस्त काम करता है। यहाँ से आप इसको जब डबल क्लिक करते हैं कोई भी टूल पे, तो आपको ये ऑप्शंस खुलेंगे, जो भी उसमें ऑप्शन रहेंगे। इसमें भी ऑप्शंस है,
मूव टूल का कि कितना आपको मूव करना है, कितना एंगल करना है। ये असल में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में मूव, वही चीज़ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस टूल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं खुल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 5-5 मिनट में आप ये लेसन सीख रहे हैं, तो आगे भी जो भी सीखने वाले हैं तो उनको आप बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।